हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावी ऑल इन वन चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए ये नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी, जो है ये समा के चावल का एक टेस्टी लाजवाब उपमा। हाँ जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि तो हो गए, आज अष्टमी है और कल नवमी, तो अब ये व्रत वाली रेसिपी क्यों? तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ रेसिपी पोस्ट करने में, बट कोई नहीं, अब देख लो, अगर पसंद आए तो नेक्स्ट नवरात्रों में बना लेना, ओके? और ये है मेरे माता की चौकी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। समा के चावल का उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी समा के चावल, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने लिया है ये थोड़े से मूंगफली के दाने, आधा कटोरी देसी घी, क्योंकि ये हम घी में बनाने वाले हैं। और साथ ही मैंने लिया है ये मूंगफली के दाने और एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर और दो चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक, दो बारीक कटे हुए टमाटर, दो मीडियम साइज़ के आलू जिन्हें थोड़ा मोटा काटना है, और दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो बस ये सारी सामग्री चाहिए हमें समा के चावल का उपमा बनाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे व्रत में बनाकर खा सकते हैं, बिना व्रत के भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में देसी घी डालेंगे, ये मैंने दो बड़े चम्मच देसी घी लिया है, और अगर आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पसंद हो उसमें बनाएं, वैसे घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम सबसे पहले इसमें ये जो मूंगफली के दाने हैं उन्हें भून लेंगे, ठीक है। तो ये जो समा के चावल का उपमा बनाना बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत टेस्टी है, ठीक है। तो इस तरह से जो मूंगफली के दाने हैं उन्हें घी में भूनना है, और ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना, हीट जो है वो बिल्कुल स्लो रखनी है, क्योंकि इनको भूनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ज़्यादा ना पकाएं, ये सिर्फ एक मिनट में पक के तैयार हो जाएंगे, और इन्हें इस तरह से निकाल लें, फिर उसी घी में हम और उपमा बना लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, साबुत जीरा, और जब जीरा थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डालेंगे ये दो मीडियम साइज़ के आलू, ये बॉईल किए हुए आलू नहीं है, कच्चे आलू हैं, इन्हें अच्छे से छील कर धोकर इस तरह से मोटा मोटा काट कर और आपको इसके अंदर डालना है। और आलू मोटे इसलिए काटने हैं ताकि जब ये पककर तैयार हो तो ये अलग अलग रहे, एकदम मिक्स ना हो जाए। अगर बारीक काटेंगे तो वो एकदम जब हम उपमा पकाएंगे तो वो इसमें एकदम मिक्स हो जाएंगे और फिर पता भी नहीं चलता कि आलू है या नहीं है इसमें। तो थोड़ा सा मोटा काटना है हमें आलू, ठीक है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये दो चम्मच व्रत वाला सेंधा नमक। नमक हम इसमें पहले ही इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि जो ये आलू है ये थोड़े से जल्दी पक जाए, क्योंकि हमें इन्हें मोटा काटा है ना इसलिए। और फिर थोड़ा सा कुछ नमक पहले इसलिए डाल दिया है कि जो आलू है वो थोड़े से नमकीन हो जाए, फीके फीके ना रहे, ठीक है। तो इन्हें पकने में 2 या 3 मिनट का टाइम लग जाएगा। और 2-3 मिनट आलू पकाने के बाद हमने इसमें ऐड करना है ये समा के चावल, जिसे कि मैंने अच्छे से 2-3 पानी से
निकाल कर धो लिया है। तो ये आप धोकर ही डालें। और दोस्तों, ये जो समा के चावल हैं, इन्हें कुछ जगहों पे शामक भी बोला जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये समा के चावल क्या हैं। तो जो लोग शामक बोलते हैं, उनके लिए भी ये रेसिपी है। और फिर हम इसमें डालेंगे ये दोबारी कटी हुई हरी मिर्च, और हम इसमें ऐड कर देंगे ये दो बारीक कटे हुए टमाटर। तो दोस्तों, आप सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो बड़े टमाटर बारीक करके डाले हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो सब्ज़ियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ एक टमाटर डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो दोस्तों, पानी हमें कितना डालना है ये आप देख लीजिए। अगर हम एक कटोरी समा के चावल ले रहे हैं तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 कटोरी पानी, ठीक है। तो इतना ये पानी आराम से सॉक कर लेगा, इसको पकने में इतना पानी लग जाएगा। तो अगर एक कटोरी समा के चावल ले रहे हैं तो उसके अंदर हम डालेंगे 3 कटोरी पानी, ठीक है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, और फिर इसे ढककर कम से कम 10-15 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकाना है, ठीक है। 10-15 मिनट में ये पक कर देखिए बिल्कुल से तैयार हो गया है। हीट मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना। और ये सारा जो पानी है सोक कर लिया है और ये पक कर तैयार है। और फिर हम इसमें लास्ट में डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितना कलरफुल बना है हमारा ये व्रत वाला उपमा। तो जो लोग व्रत कर रहे हैं वो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें, और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं और अगर आपको देखने में अच्छा लग रहा है तो एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है, सबको पसंद आएगा, बच्चों को भी। और फिर हम इसमें डाल देंगे ये तले हुए मूंगफली के दाने, और ये पककर तैयार है हमारा समा के चावल का उपमा। और अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के लिए ये जो रेड कलर वाला बटन है उससे प्रेस करें, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री फ्री फ्री। और उसके बाद ये जो टिंग डिंग डिंग वाला बेल बटन है उसे भी हिट करें, जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।